मैं जयश्री, गौरी की मदर, जो कि स्पेशल बच्ची है हमारी। जब डॉक्टर ने हमें बताया तो लगा कि अरे ये हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, पूरी दुनिया में भगवान ने हमें क्यों ऐसा चुना कि हमारे हमें ये क्यों ऐसा बच्चा भगवान ने दिया। पहले तो झिझकते थे हम, बोलते नहीं थे कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। लगता था कि जितने दिन ऐसे चल जाए। धीरे धीरे अपने आप को ऐसा मन बना लिया, ट्रेन कर लिया कि भाई ये हमारी बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है, ये हमारा इसके साथ ऐसे ही लेना देना है। और बिल्कुल इसको नॉर्मल ही हमने ट्रीट किया, कोई इसको स्पेशल ट्रीटमेंट डे वन से नहीं दिया। हम दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट मेरे दोस्तों के साथ भी इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट जब मेरे दोस्त आते हैं मेरे घर पे तो वो बहुत खुश हो जाती है इन लोगों से मिलके। जब मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए MBCN, तो यहाँ पे देखा कि बच्चे यहाँ पे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये लोग कराते थे। डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, और मेरी बेटी को पहले से भी इसका शौक था। यहाँ पे आके उसने इसमें और अच्छा परफॉर्म किया। लकीली हमें बहुत अच्छे स्कूल टीचर्स मिले। गौरी बड़ी लकी और ब्लेस्ड थी कि उसको अच्छे लोग मिले। गौरी जब 14 साल की थी तब MBCN में आई थी, और जब से वो MBCN में आई है तब से मैं वो मेरे साथ ही थी। बहुत डाउन सिंड्रोम बच्चा होने के बावजूद भी वो बहुत ब्राइट है और बहुत ज्यादा एक्टिव रही है। किसी भी बात को उसको समझाओ तो बहुत अच्छे से समझ लेती है और बहुत कोऑपरेटिव है, बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं है उसमें। बेटी को स्पीच की थोड़ी प्रॉब्लम थी शुरू में, तो यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट भी थे और फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, जिससे उसके बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें नजर आई। एक डाउन सिंड्रोम बच्ची है, लेकिन डाउन सिंड्रोम बच्चों में होता है कि वो थोड़े से लेथास्टिक हो जाते हैं या उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, लेकिन वो योगा इतना अच्छा से करती है, इतने अच्छे तरीके से करती है योगा कि उसने अपना वेट मैनेज करके रखा हुआ है और बहुत फ्लेक्सिबल है वो। आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी कि गौरी हमारे साथ रही है, बिकॉज रीजन बीइंग कि जो चीज़ें जो मैं नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ, वो एक एक जो बॉन्डिंग है वो एक स्पेशल बॉन्डिंग है गौरी के साथ, एंड शी हैज बीन क्वाइट लकी टू मी एंड टू आवर होल फैमिली। लोगों को लगता है कि मतलब कि ये बर्डन होते हैं हमारे ऊपर, बट द फैक्ट इज दैट ये ऐसे बच्चे हमारे लिए बर्डन नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, और इनको बर्डन ना समझा जाए। और आप इनको जितना प्यार देंगे उतना ही आपको ये देंगे, और जितना आप इनको प्यार से ट्रीट करेंगे तो उससे उनकी भी लाइफ ईजी हो जाएगी, और आगे चल के वो नई नई चीजें सीखेंगे, अपनी उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। आई लव फैमिली और वेरी मच मॉम मेकिंग फूड, आई लव चोई पटोले, आई लव चाइनीज फूड, आई वेरी आई लव फॉर मॉम।